शासकीय राशन दुकान एवं विक्रेता कल्याण संघ ने अपनी मांग को लेकर 72 घंटे दुकानें बंद किए जाने को लेकर जिलाधीश के नाम सौंपा ज्ञापन। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राशन दुकान संचालक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन ने अपने विभिन्न मांगों की पूर्ति करने भारत सरकार से मांग पत्र सौंपा है, पर अब तक भारत सरकार द्वारा मांग पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के चलते सोमवार को दुर्ग शहर राशन दुकान संचालकों ने बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांग और आम जनता को हो रही परेशानियों को लेकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में फेडरेशन ने देश भर के सभी शासकीय राशन दुकान व दुर्ग शहर में राशन दुकान को आगामी 7-8-9 फरवरी को बंद रखने का आह्वान कर सहमति जताई है। इस संबंध में शासकीय राशन दुकान एवं विक्रेता कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष कुणाल तिवारी व संरक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राशन विक्रेता संघ के द्वारा 3 दिवसीय राशन दुकान बंद करने का आह्वान किया गया है। वह जो ज्ञापन दिया जा रहा है, राष्ट्रीय लेवल का राशन दुकान बंद करने का कार्य है, 3 दिवसीय रखा गया है, 7-8-9, और इसका ज्ञापन देने हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। इस ज्ञापन में इसलिए आया गया है कि राशन दुकानदारों को अब राशन बांटने में, पूर्व में मैनुअल में बांटते थे तो कमीशन की राशि भी अतिरिक्त थी, जिससे लोगों का घर चल जाता था। आज के समय में ये है कि कोरोना काल से फ्री में राशन बांटने से राशन दुकानदारों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए हमारी एक मांग है, और वो भी राष्ट्रीय लेवल की मांग है, कि हम राशन विक्रेताओं को माह के रूप में मांग 50,000 रुपये मांग किया जा रहा है। हमको मंथली 50,000 रुपये मान दे दिया जाए, या तो हमारे छत्तीसगढ़ में केवल ऑल इंडिया के स्तर पर अगर देखा जाए तो 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमको कमीशन दिया जाता है, जबकि अदर स्टेट में इसको 300 रुपये क्विंटल, 250 रुपये क्विंटल और 150 रुपये क्विंटल भी दिया जाता है। हमारी मांग ये भी है कि हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए, ताकि विक्रेता साथीगण या विक्रेतागण, इन लोगों को परिवार चलाने में सुविधा हो। हमारी अगर ये मांग पूरी नहीं होती 7-8-9 तारीख को, तो राष्ट्रीय लेवल पर यह कहा गया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बासु जी हैं और माननीय मंत्री प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है कि 7-8 तारीख, 3 दिवसीय अगर धरने में हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती तो संसद का घेराव किया गया जाएगा दिल्ली में, जिसमें राष्ट्रीय लेवल के सारे दुकानदार जो भी हो सके वो दिल्ली पहुंचकर 1 दिवसीय वहां पे धरना दिया जाएगा। तिवारी राशन दुकान संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं इस बाबत कि जब से EPOS मशीन चालू हुई है तब से सर्वर प्रॉब्लम और पब्लिक को भी इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमको राशन देने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। एक पब्लिक को देने में कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट लगते हैं। एक दुकान में कम से कम 500 से 1000 कार्डधारी हैं। ऐसे में हम वितरण का काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और सर्वर प्रॉब्लम महीने में 15 दिन सर्वर प्रॉब्लम रहता है, जिससे पब्लिक भी हलाकान हो रही है। तो उसके एवज में और दूसरा मानदेय और कमीशन की राशि बढ़ाई जाए, और प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान है, और भारत देश में मतलब पूरे देश में राशन दुकानें 7-8-9 तारीख को बंद रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।